मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपने इंग्लिश की क्लास में लेसन नंबर 16 जो कि हमारा लास्ट लेसन है, नीना एंड द स्पैरो, जो कि हमारा लेसन का नाम है नीना एंड द बेबी स्पैरो। हमने इस फर्स्ट वीडियो में हमने इसको पढ़ लिया था और आज हम इस वीडियो में इसके न्यू वर्ड्स और रीड एंड राइड और लेट्स स्टॉप को आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए न्यू वर्ड्स में हम आगे बढ़ते हैं। तो न्यू वर्ड्स ये हम इसे यहाँ पे देखते हैं। न्यू वर्ड्स देखिए, पहला है जॉय। जॉय मीन्स होता है खुशी। सेकंड है ब्रदर, बॉथर है, बॉथर मीन्स होता है परेशानी। उसके बाद है मैरी, मैरी मीन्स होता है शादी करना। अपसेट मीन्स होता है परेशान। फीड मतलब होता है प्रेषित करना, और मूव मतलब होता है किसी स्थान से हटाना। वेडिंग मतलब होता है विवाह। शेक मतलब होता है थरथराहट। हग मतलब होता है दुलार या गले लगाना। इंस्टेंट मतलब होता है बदले में, और प्लम मतलब होता है फूला हुआ, और थ्रिल मतलब होता है बहुत खुश। तो यहाँ पे और चैप्टरों की अपेक्षा यहाँ पे बहुत सारे न्यू वर्ड्स दिए हैं, और यहाँ पे बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो कि हम पहली बार सुने होंगे, तो इसे हम देखें और याद करें कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। उसका सेकंड है रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। यहाँ पे क्या दिया है, वाई वॉज देयर अ ग्रेट जॉय इन नीना हाउस। नीना के घर में किस खुशी का जश्न मनाया जा रहा था। तो नीना के घर में किस खुशी का जश्न मनाया जा रहा था, नीनास आंट वॉज गेटिंग मैरिड, सो देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस। नीना की मौसी की शादी होने वाली थी, इसलिए नीना के घर में जश्न मनाया जा रहा था। वाई वॉज नीना वरिड, नीना क्यों परेशान थी। नीना वॉज वरिड फॉर द टू बेबी बर्ड, है ना। जैसे कि हमने लेसन में देखा कि उस जो उसकी बुक शेल्फ में जो गौरैया चिड़िया घोंसला बनाए रहती, उसमें टू बेबी बर्ड रहते हैं। अगर वो शादी में चले जाती तो वो बेबी बर्ड कैसे खाना खाती, उसके माँ बाप से कैसे मिलती, इसलिए वो परेशान थे। थर्ड है व्हाट डिड मदर सजेस्ट, माँ ने क्या उपाय सुझाया। मदर सजेस्ट डेट वाइल वी आर अवे फ्रॉम द होम We can make the room empty and let the windows open so that the two baby bird can be fed by their parents. माँ ने सुझाव दिया कि जब हम घर पर नहीं रहेंगे तब हम कमरे को खाली कर खिड़की को खुला रख देंगे, जिससे कि दोनों छोटी चिड़िया को अपने उनके माता पिता खाना खिला सकें। फोर्थ है What did Nina find when she came back from wedding? शादी से वापस आने के बाद नीना ने क्या देखा। तो यहाँ क्या है, नीना found the two plum little sparrow flying all over the room. नीना ने जब शादी से वापस आई तो उसने दोनों छोटे चिड़िया को कमरे में उड़ते हुए देखा। फिफ्थ क्वेश्चन है Write a few lines about Nina. नीना के बारे में कुछ लाइनें लिखी है, मतलब हमको यहाँ पे नीना के बारे में कुछ लाइन हमको लिखना है कि नीना कैसी है। जैसे हम लिख सकते हैं नीना इज़ अ गुड गर्ल, ऐसा करके हम दो तीन लाइनें नीना के बारे में हमको लिखना है। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं फोर्थ नंबर में। जैसे यहाँ पे से लॉडली दिया है, थर्ड नंबर में जॉय मैरिड वाइल्ड आइदर बॉथरिंग हग प्रॉब्लम रिमूव परफेक्टली फ्रीली प्लम और थ्रिल्ड। तो ये सब में से कुछ कुछ वर्ड्स को हमने हिंदी मीनिंग से यहाँ जान चुके हैं। उसके बाद फोर्थ है लेट अस टॉक व्हाट विल यू डू फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमको कुछ दिया हुआ है, उसको हमको जोड़ना। जैसे यहाँ पे दो कॉलम दिए हुए हैं, इफ़ आई हैव दिस प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम मेरे पास होता इफ़ वी विल डू दिस, तो हम क्या करते हैं? मतलब हम कुछ प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। तो पहला दिया इफ़ आई एम इल, जब मैं बीमार होता हूँ तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आई विल गो टू डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। सेकंड है इफ़ आई डू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन क्लास, इफ़ आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन क्लास, अगर मैं क्लास में कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाता तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आई विल आस्क माई टीचर, मैं अपने क्लास टीचर से पूछूँगा।
टुडे इफ समवन फाइट विथ मी, अगर कोई मुझसे लड़ाई झगड़ा करेगा तो क्या, आई विल कंप्लेन अबाउट टू माई पेरेंट्स, तो मैं उसकी कंप्लेन अपने माता पिता को करूँगा। इफ़ एनी अननोन पर्सन आस्क मी टू गो विथ हिम, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं नहीं जानता वो मुझे अपने साथ जाने के लिए कहेगा तो मैं क्या करूँगा, आई विल से नो टू हिम, मैं उसे नहीं का जवाब दूँगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। फिफ्थ है इफ़ एनी वन टच मी हाउ आई डोंट लाइक, अगर कोई मुझे टच करता है और मैं वैसा टच अच्छा ऐसा टच नहीं चाहता तो मैं क्या बोलूँगा, आई विल आस्क द पेरेंट्स नॉट टू टच मी इन मी एंड शुड स्टे अवे फ्रॉम मी, आई विल आस्क दैट पर्सन नॉट टू टच मी एंड शुड स्टे अवे फ्रॉम मी, मतलब मैं उस पर्सन को बोलूँगा उस व्यक्ति को बोलूँगा कि तुम मुझे इस तरीके से ना छुओ और मुझसे दूर रहो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।